स्टैंडर्ड 3 की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सवेरा कविता पढ़ाने जा रही हूं। इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। सवेरा का अर्थ होता है प्रातः काल, सुबह का समय। इस समय प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। चारों तरफ उजाला फैल जाता है क्योंकि सूरज उगता है। सूरज पूरब दिशा में निकलता है और जहां सूरज उगता है वहां पर लाली छा जाती है। अंधकार मिट गया रहता है, नया उजाला सवेरा आता है। चांद अपने घर को चला गया रहता है। डाल डाल पर पक्षी बैठकर चहचह करते हुए खुशी के गीत गाते हैं। बाग में फूल खिलकर सुगंधी भी खेर देते हैं। अचानक कवि की नजर घास की ओर जाती है। वो ओस की बूंदों को देखकर कहते हैं कि ये ओस की बूंदे सूरज के प्रकाश में कभी वह मोती की तरह दिखती है, कभी वह हीरे की तरह दिखती है और कभी वो बहुमूल्य पत्थर मणियों की तरह दिखाई देती है। तो आइए हम लोग खंड के एक एक खंड पढ़ेंगे और खंड के अनुसार मैं आप लोग को भाव बताऊंगी और आप लोग समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं कठिन शब्दों के अर्थ बता दे रही हूं। उदय यानी उदित होना, उगना। छाई यानी चारों तरफ फैल जाना। अंधेरा यानी अंधकार। चंदा यानी चांद। उजियाली यानी रोशनी, उजाला। उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली। रही न रात न रहा अंधेरा, रही न चंदा की उजियाली। इन पंक्तियों में कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी कहते हैं कि सवेरा हो गया है, पूरब दिशा में सूरज उदित हो गया है और जिसके कारण पूरब दिशा पूरी लालिमा से भर गया है। रात का अंधेरा मिट गया है और चंदा की उजियाली भी जा चुकी है। अब हम दूसरे खंड में आएंगे। इनमें कठिन शब्दों का अर्थ मैं बता रही हूं। चहकना यानी पक्षी की बोलने की आवाज। मुस्काई यानी मुस्कुराना। महक यानी सुगंधित बिखेर देना। उपवन यानी बाग बगीचा। डाल यानी पेड़ की टहनिया। डाल डाल पर बैठे पक्षी चह 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 चहक रहे हैं। खिले फूल मुस्काई कलियां, सारे उपवन महक रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि पेड़ की डालियों पर पक्षी चहक रहे हैं क्योंकि सवेरा हो गया है और वह चह चह करके खुशी के गीत गा रहे हैं और सबको, पूरी दुनिया को जगा रहे हैं और कह रहे हैं सुबह हो गया है, उठ जाओ और अपने काम में लग जाओ। कवि बाग की ओर देखते हैं और कहते हैं, ओ ये जो कलियां थी वह फूल बनकर मुस्कुराने लगी और उसकी मुस्कुराहट से, उसके खिलने से पूरे वन भी मुस्कुरा रहे हैं और साथ ही साथ सुगंधित हो गए हैं। कविता के तीसरे खंड में मैं जाऊंगी, उसके कठिन शब्द बता रही हूं। धीमी धीमी यानी धीरे धीरे। शीतल यानी ठंडी। मंद यानी धीरे। सुखदायी यानी सुख को देने वाली। वन यानी जंगल। बाग यानी बगीचा। अंगड़ाई यानी सुबह उठने पर आप अपने दोनों हाथ फैलाकर अंगड़ाई लेते हैं। हवा बह रही धीमी धीमी, शीतल मंद और सुखदायी। जाग गए हैं खेत बागवन, पेड़ ले रहे हैं अंगड़ाई। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि सवेरा हुआ है और तुरंत सूरज उगा है। वातावरण में गर्मी नहीं है, इसीलिए धीमी धीमी ठंडी ठंडी हवा बह रही है।
जो हमें बहुत सुख दे रही है। बहुत मौसम बहुत प्यारा और बहुत सुहाना लग रहा है, और केवल मुझे ही मौसम ऐसा नहीं लग रहा है, खेत बाग वन सब जाग गए हैं, और पेड़ों की जो टहनियां हैं ऐसा लग रहा है वो हिल रही हैं, तो लग रहा है कि ये टहनियां हाथ फैलाकर हम लोग जैसे अंगड़ाई ले रही हैं। अब मैं कविता के अंतिम खंड में जाऊंगी। कण कण बिखरे हैं मोती, कण कण बिखरी हैं मणियां, कितनी मनहर कितनी सुंदर सुखद सुहानी ये घड़ियां। यानी कण कण पर, यानी जगह जगह पर मोती बहुमूल्य पत्थर होता है, मणियां यानी बहुमूल्य बहुत बहुमूल्य पत्थर होते हैं, मनहर यानी मन को खुश कर देने वाली, सुहानी यानी अच्छी, सुखद यानी सुख देने वाली, घड़ियां यानी समय। कणकण पर बिखरे हैं मोती, कणकण बिखरी हैं मणियां, कितनी मनहर कितनी सुंदर सुखद सुहानी ये घड़ियां। यानी कवि की नजर ओस की बूंदों पर जाती है, वो चारों तरफ के वातावरण को देखते हैं, उसके बाद वो जमीन पर देखते हैं, तो उन्हें घास पर ओस की बूंदे नजर आ रही हैं। वो उन्हें कभी कभी मोती की तरह दिखती है, कभी वो हीरे की तरह दिखती है, कभी मणियों की तरह दिखती है, और इस तरह मौसम बहुत सुखद, मन को हर लेर लेने वाला, बहुत सुहाना लग रहा है। कवि बोल रहे हैं ये पल मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, इसलिए आप लोग सुबह उठिए और सैर कीजिए और सुबह का आनंद लीजिए। मैं एक छोटा सा पिक्चर ड्रॉ की हूँ, आप लोग अपने घर की कॉपी में इस पिक्चर को ड्रॉ कर लोगे और कविता आपके वेबसाइट में मिल जाएगा, आप इसको याद कर लोगे। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने शब्दार्थ दिया है, इस शब्दार्थ को और प्रश्नोत्तर को याद करोगे और याद करके घर की कॉपी में लिख लिख कर अभ्यास करोगे।